बच्चे द सॉरी फिफ्थ एमसीक्यू, जस्ट हैव अ लुक, ऑल ऑफ यू नो हैविंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जस्ट सी द फिफ्थ एमसीक्यू. इन द फिफ्थ एमसीक्यू दे हैड गिवन द ग्राफ, ठीक है, इन दिस ग्राफ 0, 7 एंड 14 दे हैड गिवन द थ्री पीक वैल्यू, एसिड्स की वैल्यू, बेसिस की एंड न्यूट्रल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पीएच. दे हैड गिवन यू द थ्री वैल्यू. दे आर सेइंग कि यहां से ये आपका पॉइंट है ए, इट्स अ बी, यहां सी, हाँ यहां सी एंड हियर इट इज डी. हियर दे आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एसिड. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि इसमें से Which of the letter, which letter denotes the area of the graph where both acid and salts are present? Question को please ध्यान से देखना है. Acids and salts are present. जब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? Acid increase हो रहा है. Number 14 क्या denote कर रहा है? That is the basic. जब वो नीचे आ रहा है तो base की hydroxide concentration क्या हो रही है? कम हो रही है. 7 भी यहाँ पे कोई value होगी तो neutral. न्यूट्रल मतलब ना उसमें एसिड है ना उसमें बेस है. बट यहां से फिर ये जो वैल्यू शो कर रही है, नाउ वी आर एडिंग द एसिड, तो अब उसमें क्या चेंज होता जा रहा है? हाइड्रोजन आयंस ऐड होते जा रहे हैं. बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट. 7 पे न्यूट्रल था जहां पे सॉल्ट की कुछ कंसेंट्रेशन प्रेजेंट थी. आप एसिड इंक्रीज कर रहे हो बट अभी वहां पे कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है. एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट तो आपका डिनोट कर रहा है डी. इसी क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं. दे कैन आस्क यू बाय शोइंग दिस पिक्चर, दे कैन आस्क यू कि शो व्हिच इज हैविंग द मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, व्हाट वी हैव टू ऐड, ठीक है, या व्हिच अल्फाबेट डिपिक्ट द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर, ठीक है. व्हिच अल्फाबेट डिपिक्ट्स अ वायलेट कलर, व्हिच अल्फाबेट डिपिक्ट्स अ रेड कलर. बट आई एम सेइंग डोंट गो थ्रू कि आपको एक 10 एमसीक्यू गिवन है. मैं उसके साथ साथ नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन फ्रेम. यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन इसकी ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इसकी है. अगर आपको पूछ लेते हैं कि नियर द पेल येल्लो कलर कौन सा है, तो आपके पास यहाँ वाली वैल्यू अगर कुछ होगी तो दैट इज द येलोइश कलर, ठीक है. कलर्स दे कैन आस्क, कंसेंट्रेशन दे कैन आस्क, पीएच को अरेंज करने के लिए दे कैन आस्क कि राइट डाउन ए बी सी डी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है. ये ध्यान रखना क्वेश्चंस घुमा के. एक बार ना फर्स्ट एमसीक्यू पे भी आओ, नो डाउट आपने कर लिया है, जस्ट कम ओवर देयर. इन द फर्स्ट एमसीक्यू दे आस्क यू द बीकर हैविंग अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट, ठीक है. तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये आपको कलर पता है. अब इसी में दे कैन आस्क यू द वन अनदर क्वेश्चन. आई एम रिवाइजिंग द नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द वन क्वेश्चन, ठीक है. नाउ दे कैन आस्क यू लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड कंप्लीट द रिएक्शन, बट इट विल बी फॉर्म. एक क्वेश्चन आपको गिवन है, हम वो रिवाइज कर रहे हैं, बट डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दैट सिंगल क्वेश्चन. दे आर सेइंग क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन में हो सकता है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, बट इट विल बी फॉर्म्ड PbI2 and KNO3, ठीक है. Pb इसका इसके पैर में था 2, इन एनी केस ना वहां पे दिमाग चले. जब हम एक कंपाउंड लिखते हैं तो हम उनके आयंस को क्रिस क्रॉस करते हैं. इसकी इसके पैर में थी वैलेंसी, अब वो किसके पैर में चला जाएगी, एंड दिस इज, ठीक है, विच रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. अदर है अदर नेम ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Other name of the displacement, double displacement reaction is precipitation reaction. ठीक है, कलर कौन सा बना? येलो. एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है. सेकेंड है वो आपको पता ही है. इसमें आपको वो बोल पूछ सकते हैं
इसमें एक और चीज है, आई रेड इन द सैंपल पेपर ऑल्सो सम ऑफ द हाइड्रोजन गैस रिलीजिंग. ऑल ऑफ यू नो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस? इज इट पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग? व्हेन पॉपिंग साउंड यू ऑब्जर्व? व्हेन वी विल ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर टू इट. But when metal react with the hydrogen gas, at that time which gas is produced? Hissing sound. ठीक है जी, hissing sound, fuzzy sound, fuzzing, hissing means जहां से आपको मतलब बुलबुले उठने की आवाज आए, like that. That is the hissing sound. ठीक है, वो later on उसका confirmatory test है कि when we will bring the burning matchstick near to it. Might be वो popping sound ना कहे. Might be they are saying कि iron spill कर गया on road पे, sulfuric acid spill कर गया road पे, and the person that heard some sound, hissing sound will be appear. Yeah, that person heard some sound, but is that sound and why it is there? तो वहाँ पे sound क्यों produce हुई? Might be there will be the iron hole over there. Manholes होते हैं, वो iron का हो, कोई metal गिरा हो, and the metal react with an acid, it will produce a hydrogen gas, and the sound is hissing sound, hissing sound, and when we will bring burning matchstick near to it, it produces popping sound. Popping sound is the confirmatory test for the hydrogen. In the same way, carbon dioxide का confirmatory test क्या है? Lime water. ठीक है, these are the confirmation कि these gases are producing. ठीक है जी, समझ आ गया ये भी? Then third question में मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हो गया. एंड दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड लाइक द मिक्स आंसर, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस जैसे हैं तो मिक्स आंसर क्वेश्चंस होंगे आपके पास. देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिस्पॉन्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आती है ना सबको करनी. नो नीड टू बैलेंस ईच एंड एवरी इक्वेशन, जस्ट हैव अ लुक कि वहां पे कितने कितने इक्वल हैं. ठीक है, एंड विच लॉ दे आर फॉलोइंग, व्हाई वी आर डूइंग द बैलेंसिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ग्राफ वाला हो गया. देन आओ जी सिक्स्थ पे. हाँ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस या रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ए और ई रखा करो क्विक आंसर के लिए. ए और ई, दैट इज ऑक्सीडेशन. मैं बार बार बच्चे ये रिपीट करवाती हूँ. दीज आर द क्विक आंसर. देखो ए ओ, दैट इज ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. तो दूसरा इसका उल्टा हो गया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका उल्टा कर दो, ए ओ रही से याद रखो, बहुत इजी रहता है, इमीडिएटली आपको विजिबल हो जाता है. अब इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट विल गिव राइज टू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट. तो इजिली वी कैन सी दैट इज द कहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट पता है ना? लिख देती हूँ, वेट, नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क. एक बार रिवाइज कर लेना बेटर. कहां पे हुआ जी? यहाँ आयरन कल्ला था, यहाँ तो इसके साथ था. आयरन जब उधर गया तो क्या हो गई? एडिशन हो गई. किसकी? ऑक्सीजन की. किसके साथ? आयरन के साथ. आंसर क्या है? आयरन है कि वो प्रोडक्ट इज नॉट आंसर. ऑक्सीडेशन में आपका आंसर क्या है? रिएक्टेंट साइड. प्रोडक्ट वाला आंसर नहीं है. ठीक है, मेक श्योर ये गलती नहीं करना. ठीक है, क्वेश्चन में होगा ऐसा कुछ तो यू हैव टू आइडेंटिफाई. सो बेटर रिएक्शन के ऊपर ये करके देख लेना कि कहाँ पे एडिशन हुई, वहां लिख दिया, वही सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही उसका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. आया समझ बेटा? नहीं नहीं आया, मैं दोबारा बता देती हूँ. श्योर? पक्का? क्योंकि समटाइम मतलब नहीं अगर आया तो डोंट फील हेजिटेशन. ठीक है, इसके ऊपर लिख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, साथ ही स्लैश लगाओ रिड्यूसिंग एजेंट. आंसर आपका ये नहीं. ठीक है,
केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है. देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. समझ आ गया था, पेरेंट एसिड जिससे वो बने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, यू हैव टू आइडेंटिफाई. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय डिल्यूटिंग अ कंसेंट्रेटेड एसिड by adding acid to a water. Why we are adding acid to a water? What actually happening? Highly reactive. Heat is liberated. More heat is liberated and it will splash out. ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शन जो होगी वो स्प्लैश आउट वाली भी ऑप्शन गिवन होती है इन MCQs. Splash out means when you are adding a water to an acid, it immediately splash on your skin. ठीक है, that's why it is advised. Add the water to the acid to the water. ठीक है, reaction क्यों नहीं हम पानी डालते उसमें? Because highly exothermic, heat is releasing. वो पूछ सकते हैं कि if the splash out, तो what kind of the reaction is this? तो what is the answer? Exothermic. ठीक है. Why is it important to balance? This is I already told, law of conservation of mass. ठीक है, 10 हो गए. उसके बाद थे हमारे पास कहाँ पे है? 25. ओके, यस, कम टू दिस क्वेश्चन. ओके, लुक हियर, हियर इट इज. लाइमस्टोन हीटेड, दे कैन पुट द ट्रायंगल साइन ओवर हियर, दैट आल्सो मींस द हीट. ठीक है जी, दिस इज स्टेप वन. दे आर सेइंग X is formed plus CO2 plus H2O. This is step 2. And slate lime. Okay? Ab, limestone. Stone. Matlab kaun sa formula? C? But it will produce? CO2 nikal gaya. ठीक है, बाकी क्या रह गया? CaO. देखो CO2 निकल गए, बाकी क्या रह गया? CA और एक O, दैट इज CaO प्लस CO2. देन ऐड करा वाटर, बट इट विल बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड? स्लेक लाइम. अदर नेम ऑफ स्लेक लाइम? लाइम वाटर. वाई लाइम वाटर? बच्चे मैंने बोला था वाटर इज गिवन लाइम. लाइम क्या है? CaO, क्विक लाइम. मैंने पहले बताया था क्विक. क्विक मीन्स अक्षर छोटे कर लो एक हिसाब से, जस्ट टू मेमोराइज. तीन कैल्शियम के प्रोडक्ट करते हैं CaO, CaOH2, CaCO3, है ना. अब उसमें से ये छोटे अक्षर क्विक लाइम, अब इसमें ये क्विक लाइम तो था यानी कि लाइम था, बट H2O क्या हो गया? वाटर. सो अदर नेम ऑफ दिस इज lime water and this is CaCO3, that is carbonate, calcium carbonate. ठीक है, अब क्वेश्चन में वो बोलता है identify the option correct given in the table which represent the type of the reaction occurring. यहाँ heat दी आपने, तो what type of this reaction is? Endothermic, because heat is given in the reaction. ठीक है, heat absorbed हुई, heat is given, that is called endothermic. यहां हीट निकली, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? एक्सोथर्म. वेयर इट इज यूज्ड दिस रिएक्शन? वेयर यू हैड रेड? व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? इन तीनों में से व्हाट इज यूज इन द व्हाइट वॉशिंग? सही बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो? व्हाट इज यूज? यही तो होता है क्विक आंसर. व्हाट वी आर डूइंग, बच्चे पढ़ आप भी रहे हो, है ना, बट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम द वन क्वेश्चन. आई एम जस्ट आस्किंग टू कंफ्यूज यू सो दैट आप शार्पली आंसर दो. ठीक है, एंड व्हाई इट बिकम्स द आफ्टर टू और थ्री डेज इट बिकम्स द व्हाइट? रिएक्शन उल्टी हो गई. ठीक है, तो ये बन गया. क्यों बन गया? बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर व्हेन इट मिक्सेस विद दिस इट फॉर्म्स अ, ठीक है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट ब्राइट शाइन. ठीक है,
क्वेश्चन ऐसे करने हैं, पढ़ आप सारे रहे हो ऑलरेडी, ऑल ऑफ यू रेड, ठीक है, बट इज एक्चुअली वी वॉन्ट जस्ट टू रिवाइज लाइक दिस, राइट? ओके, नेक्स्ट इज हमारा ये, हाँ, इन विच ईयर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट. तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द मेनी फॉर्म. वी कैन गिव यू द जीएपी, वी कैन गिव यू द, व्हाट इज जीएपी, ऑलरेडी डन इन द 8th क्लास. व्हाट इज जीएपी? गंगा एक्शन प्लान. वी कैन गिव यू द वन पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ द यमुना रिवर, डियर मास. वी कैन गिव यू द वन पैराग्राफ ऑन द यमुना रिवर. वी कैन गिव यू द डल्यूशन, क्या हुआ वहां पे, इम्प्यूरिटीज ऐड करने से क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन, ठीक है. वी कैन गिव यू द यमुना रिवर एंड द वाटर पोल्यूशन अकर बाय एडिंग दीज 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 डिटर्जेंट ऐड हुए, वॉशिंग, बाथिंग एंड ऑल दैट. तो व्हाट वी आर आस्किंग, वी कैन आस्क यू द डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट वन, कि इफ वी आर डूइंग लाइक दीज एक्टिविटीज, व्हाट इज एडिंग इन द वॉटर, व्हाट इज एडिंग. इफ आई एम सेइंग बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल दैट डिटर्जेंट, व्हाट इज एडिंग इन दैट डिटर्जेंट बेसिस. तो विच कंसेंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोक्साइड, ठीक है. नियर टू द एसे केमिकल फैक्ट्री व्हाट इंक्रीजेस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस. मींस समझ रहे हो ना व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट क्रैमिंग द थिंग्स. इन विच ईयर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज मैक्सिमम, मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है जी. द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एन एसिड, मेटल एंड एन एसिड, ऑल ऑफ यू नो द आंसर. मेटल और एसिड, व्हाट इट विल प्रोड्यूस, सॉल्ट. अब इसमें क्या है, द रिएक्शन बिटवीन जिंक प्लस डिल्यूट एसिड, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो हो सकता है. सेकेंड इज मैग्नीशियम प्लस डिल्यूट एचसीएल, थर्ड इज आयरन प्लस डिल्यूट एचसीएल, फोर्थ इज कॉपर प्लस डिल्यूट एचसीएल. नाउ दे आर सेइंग what is the reason for different behavior, magnesium in the test tube B, yaad hai, yaad hai reason, aapko dekh ke kya nazar aa raha hai, ek minute amritpal, yes amritpal, unmute yourself amritpal, ma'am magnesium float kar raha hai ma'am, kyun kar raha hai, कुछ ऑब्जर्व होता है, याद नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन ऑब्जर्व होता है, कौन सा अदर एलिमेंट है दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, व्हाई इट इज फ्लोटिंग, व्हाई दे आर लाइक बट दे आर रिलीजिंग हाइड्रोजन, व्हाई इट इज फ्लोटिंग, बिकॉज़ द सफिशिएंट हाइड्रोजन या सफिशिएंट हीट इज नॉट लिबरेटेड टू रिलीज द गैस. बट वेयर वी हैड डन द अदर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन वेयर वी हैड डन, इधर सिमिलर क्वेश्चन, ये तो फ्लोटिंग आ गया. अदर सिमिलर क्वेश्चन ऑफ रिगार्डिंग दिस, कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस केस, सिमिलर क्वेश्चन मिलता जुलता, कैसा कुछ कुछ करा. हाँ अमृत, जिसमें नहीं निकलेंगे, अमृत अनम्यूट योरसेल्फ. कैल्शियम फ्लोट करता है, नहीं, नाइट्रिक एसिड, देयर द हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिलीज. क्यों नहीं होती, बिकॉज हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू द वाटर. And that case, कौन से दो एलिमेंट्स करे हमने, metals which show the reaction with nitric acid, magnesium and manganese, magnesium and manganese, ठीक है जी. Next question हमारा ये, हाँ, the table shown below gives the information about the substances A, B, C and D. A, B, C, D given है, melting point given है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड लिक्विड एंड एक्वस में है. आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड, पहले मुझे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताओ. पहला सॉलिड, दूसरा, पहले एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है जी. NaCl, इट इज, इट अपीयर्स टू बी अ सॉलिड, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी. इट इज क्रिस्टलाइन, उसके साथ आगे जाए, बट इट इज वाइट, इट इज सॉलिड एंड अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड, हाउ इट इज फॉर्म, आयन से बने, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, देन इट इज मिक्सेस विद द वाटर, इट लिबरेट्स इट्स आयंस फ्री, दैट मींस इट कंडक्ट. आर वी, आर यू एबल टू ब्रेक द सोडियम क्लोराइड, आप अपने हाथ से तोड़ लोगे इसको, बाय,
but is actually present. If it is solid, that means the strong force of attraction between them, more heat is required to break the bond between them, high melting and the boiling point. And these are ions are there. When it is mixes with the water, it gives its free ions. Due to the free ions, conduction of electricity is possible. बच्चे क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, अगर वहां पे मैंने आयंस के फॉर्म में दे दिया एंड आई एम आस्किंग व्हाई इट इज हैपनिंग, तो आपका आंसर क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन व्हिच आर नॉट डिसोसिएट इनटू द वाटर. व्हिच टू एनी कंपाउंड, टेल मी एनी टू कंपाउंड व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर और लिबरेट्स द आयंस, फ्री आयंस कंपाउंड which do not conduct electricity. हमने करा था glucose and alcohol do not dissociate into ions. That means वो dissociate नहीं हुए, that means वो break नहीं हुए. अगर वो break होके ions नहीं बना रहे तो conduction possible नहीं है. ये question और घुमा के डाल दिया जाए, two beakers ले लिए, एक में glucose एक में acid, ठीक है, bulb show कर दिया, in which the bulb will glow, why? Due to the free ions. Free ions. Ions are present that they are able to conduct electricity. When there are no free ions, conduction is not possible. ठीक है, समझ आया? चलो. Vinay observed that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of the water. अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, हमने वो डिस्कस नहीं कर. They are asking identify ionic compound from the above given information. Melting point highest किसका है? 1890 का. तो वो poor conductor, poor है solid, तो वो तो होगा नहीं, है ना? Then 1210, वो भी poor solid, वो भी नहीं. Then पुअर है, हाँ ठीक है. देन नेक्स्ट है विनय. अच्छा, सोप में वी ऑलरेडी डिस्कस व्हेन द सॉल्ट्स प्रिपरेशन वी हैड डन, इन दैट वी हैड डिस्कस सोडियम. मैंने आपको दो चीजें लर्न करने के लिए कही थी, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. देन विच सॉल्ट इज दिस? आंसर दिया करो जल्दी. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. When glass, soap, paper, इसमें difference है glass, ठीक है. Glass, soap, paper industry, sodium carbonate, decahydrate. When soap and paper, sodium hydroxide, ठीक है. Soap, paper, sodium hydroxide. Glass, soap, paper, sodium carbonate, decahydrate, ठीक है. साबुन में base होता है, राइट ठीक है. व्हेन वी आर यूजिंग, कड़ी में क्या था? जो व्हेन द व्हाइट, जो कड़ी आपके व्हाइट क्लोथ पे पड़ी, इट इज हैविंग अ टर्मरिक एसिड. कड़ी में क्या है? कड़ी बनती है येलो कलर. हाउ येलो कलर कम्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हल्दी. हल्दी, हल्दी इज टर्मरिक. टर्मरिक में क्या प्रेजेंट? टर्मरिक, ठीक है. और समटाइम द टार्टरिक एसिड, इमली डाल दी, वट एवर. इफ इट इज हैविंग एसिड, आपकी शर्ट पे स्टेन पड़ गया. व्हेन यू विल रब विद द सोप, सोप रब करा, तो वहां पे बेस हो गया. आपने सोप को रब, मतलब बेस को रब करा एसिड के ऊपर, उसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन. आपने उसको अगेन वॉश करा विद द हाई अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसका कलर डाइल्यूट हो गया. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, सोप इज एसिडिक इन नेचर. वो तो है नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, यानी कि ए और सी ऑप्शन तो पहले ही कट कर दो, ठीक है जी. आ जाओ, सोप इज बेसिक, यस बी है. अब थर्ड एंड फोर्थ में देखना हमने, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेस. टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड, हाँ थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर भी कराया हमने टर्मरिक को, है ना. वैसे अगर हम बात करें तो वी कैन ऐड कि उसमें एसिड भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी. In which of the following setup would be the bulb glow? आई गया क्वेश्चन. मैं आई हैड नॉट सीन, आई सीरियसली आई हैड नॉट सीन. अब नाउ यू कैन गिव द आंसर. इन डाइल्यूट HCl, शुगर सोल्यूशन, एल्कोहल,
lime water. You can give the answer. HCl तो होगा ही होगा. Yes. ठीक है, सेम उसके जैसा ही मिलता जुलता आ गया. ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज व्हाट, शुगर, वन ऑफ वन फॉर्म, वी कैन कंसीडर इट एज अ शुगर. ग्लूकोज दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस. कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन फ्री आयंस आर नॉट देयर. ठीक है, अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट डिसोसिएटिंग. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है जी. असर्शन रीजन, fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as a curd. right true hai na, hum usme dal. Reason, baking soda decreases the pH value of fresh milk to below to 6. no below to 6 nahi na kari, above kar di kyunki base dal diya aapne. Baking soda dala to pH value to upar kar diya aapne, isiliye wo curd nahi bana. Kyun pH baking soda powder dala आप बोलो, why baking soda? क्लासेस लगा लिया करो बच्चा, why baking soda added? खराब, टू मतलब टू अवॉइड द लाइक द मिल्क विल नॉट स्पॉइल. why so? What is actually present in the milk? Lactic acid. What will happen in the lactic acid? Why it will spoil if the acid is present? Acid is present in the citrus fruits also. But why in the milk? क्यों, किससे? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ मिल्क दैट इज अ हाई टेम्परेचर पे द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विल बी फास्टर. इन समर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विल बी फास्टर, दैट्स व्हाई जो लैक्टिक एसिड है इट लाइक उसमें चेंजेस लाता है. वी आर एडिंग द बेस टू मेक अ न्यूट्रल, टू डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो दैट इट विल नॉट स्पॉइल. Decomposition of a vegetable matter into compost is an endothermic reaction. No, जब भी खाद बनती है, compost is खाद, manure, जब भी ये बनती है वो चीज गर्म होती है, वहां से हीट निकल रही है. ठीक है, एक्सो होती है, एंडो नहीं है. Decomposition of reaction involve breakdown of a single reactant into simpler product. ये ठीक है, assertion is false. Then raisins वाला हमारा नहीं है, sky वाला भी नहीं है. Then table given, acid and bases, amphoteric, B and D, both. Amphoteric means both, which can show the reaction with the acids. अगला भी नहीं है हमारा. Then where is a case study? Here. हाँ जी, 16. The salt pans in the, ये हमारा ये, हाँ, the salt pans in the Marakkananam, ठीक है, a port town about 120 kilometer from Chennai are the third largest product of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is laborious process and the salt obtained is used as a raw material for manufacture all of this. मतलब टेबल में उसमें पैरा में कुछ नहीं है, आपको आंसर खुद ही फाइंड आउट करना. ठीक है, वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू नो द आंसर. एक और चीज मैंने बतानी थी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अनदर नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, लाइम समथिंग अगर कुछ गिवन होगा वो भी हो गया. एक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाँ ये भी ध्यान रखना. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही देखने पड़ने हैं. ठीक है, क्वेश्चंस हैं, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. कंपाउंड ऑफ द इन द टेबल, देखो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, वो तो नहीं करेगा. कैल्शियम सल्फेट नहीं, क्योंकि उसने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें है बच्चे? बट ऑब्वियस. ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड left by evaporation of sea water. ये पीछे है कुछ गिवन, मैग्नीशियम सल्फेट कितनी वैल्यू है? 6 ग्राम. उसमें से इवेपोरेशन हो गई,
क्वेश्चन पहले पूरा पैराग्राफ एक बार दोबारा पढ़ लो, ठीक है? ये एक रह गया, वी विल डू इट।